नमस्कार मित्रों, इस दो दिवसीय व्याख्यान माला के प्रथम दिन के प्रथम सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। यह पहला सेशन है जहां पर कोई एक विशिष्ट व्याख्यान नहीं होगा। अभी हम सभी लोग जुड़े हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अपने डेली रूटीन के अलावा हम अपने अपने अनुभव और हमारे साथ क्या सफलताएं हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं, हम इस बात का आपसे जिक्र करेंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप फेसबुक लाइव के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। याद रखिए, ये पूरी की पूरी जो मेहनत है, ये पूरा हमारा प्रयास है, वो आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। विचार कई जगहों से आने चाहिए और उसी में से कोई एक अन्वेषी विचार होता है जो पूरा का पूरा सीन बदल देता है। निश्चित तौर पे हम ऐसे विचार का स्वागत करेंगे और हम इंतजार कर रहे हैं। और विचार कभी भी अनुभव, उम्र, इन सबों पर डिपेंड करता नहीं है। सो आप बेफिक्र होकर आपको जो भी विचार लगे आप दीजिए। अभी के सेशन में हमारे साथ अमित परमार जी जुड़े हैं, डॉक्टर शिवपूजन पटेल जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको इस सेशन में हमसे बातचीत करेंगे। नवीन जी जुड़े हुए हैं और बाकी गण जुड़े हुए हैं जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने जैसा कि कहा था कि पहला सेशन जो है वो ये है कि ग्रामीण परिवेश में जो शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए उसके क्या मानक है और उसके लिए हमें और सरकार को क्या करना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो नए हैं, उन लोगों के लिए जो इस आपाधापी में उनसे छूट जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों से अपने सभी सहयोगियों के साथ, जिसमें शैलेश हैं, अमित सिंह जी हैं, नवीन हैं, इन लोगों के साथ मिलकर हम बैरिया तहसील के विभिन्न गांवों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह कार्य पर्यावरण से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। हमारा यह प्रयास है कि गांव में शिक्षा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए, इसलिए हम सभी लोग और इस मुहिम में और बहुत सारे लोग जुड़े हैं अपने अपने गांव में। और देखिए, इस प्योरली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि प्रेम प्रकाश सिंह पूरे सभी बैरिया तहसील की कमान संभाले हैं। प्रेम प्रकाश सिंह अपना गांव संभाल रहे हैं, अमित सिंह जी अपना गांव संभाल रहे हैं, कोई और है जो अपना गांव संभाल रहा है। तो ये सभी लोग अपने और सभी लोग अपना गांव जब संभाल रहे हैं तो मिल के संभाल रहे हैं। अमित सिंह के गांव में हमारी ही उतनी ही रुचि है जितनी हमारे गांव की रुचि में अमित सिंह की रुचि है। तो ये पूरा एक तंत्र है। शिवपूजन पटेल जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो भी हमारे गांव के कार्यक्रमों में उतनी ही रुचि लेते हैं। तो ये सबके प्रयासों से वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम के होते हुए हम मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात करता हूं तो हम अपने गुरु
हम लोगों के मार्गदर्शक और बलिया के कोहिनूर डॉक्टर गणेश पाठक जी को याद करते हैं। अभी इस सेशन में हमसे वो जुड़े नहीं है, मुझे विश्वास है वो अभी जुड़ेंगे और आज उनका कल उनका लेक्चर भी होगा। एक महान व्यक्तित्व जिनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं, सही मायनों में ज्ञान और अनुभव का भंडार। और कभी कभी मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि पता नहीं क्यों हम खुद अपने ही हीरोज को भूल किनारे किए रहते हैं। जब हम पर्यावरण की बात आएंगे तो हम बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े प्राणविदों को सुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो हमारे अपने इलाके से है, अपने इलाके के हर एक चीजों को टेक्निकली जानता है, हमें उसे वो पद स्थान देना चाहिए। और इस लहजे से मैं कहूंगा कि डॉक्टर गणेश पाठक जी बलिया के लिए एक कोहिनूर है और रिटायरमेंट के बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे एक्टिविटीज में वो लगे हुए हैं। एक एक्टिविटीज ये भी है कि हमारा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके निर्देशन में और प्रवीण प्रकाश पांडे जी के निर्देशन में, प्रवीण प्रकाश पांडे जी जयपुर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ पर्यावरण में उनका गहरा लगाव है, सभी तरह के पौधों के प्रति उनकी जानकारी है। और जिस तरह हम दिन भर में एक फेसबुक पोस्ट किए बिना, एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाए बिना नहीं रहते, वैसे ही वो डेली एक पौधा लगाए बिना नहीं रहते। चाहे वो आपको फोन करके लगवाएंगे, हमको फोन करके लगवाएंगे पौधा, खुद लगाएंगे, लेकिन एक पौधा लगाएंगे। पर्यावरण का ये कार्य हम उनके मार्गदर्शन में भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भारद्वाज हैं, जो एनवायरमेंटल स्टडीज में पीएचडी हैं और इस समय उनके विद्वता का लाभ बलिया जनपद पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस ले रहे हैं। इस दो दिन व्याख्यान वाला में अभिषेक भारद्वाज भी पर्यावरण से संबंधित अपना व्याख्यान देंगे। इस पर्यावरण से इन सभी लोगों के निर्देशन में लास्ट ईयर 28 जून को हम लोगों ने पौधारोपण किया था और पौधारोपण करते समय यह तय था कि यह सरकारी वृक्षारोपण की का कार्यक्रम न बनने पाए, इसलिए यह टास्क लिया गया कि जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी और साथ ही साथ अगले 28 जून को हम उसके बारे में अवलोकन करेंगे कि क्या स्थिति है। मुझे आपको बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उन 20 पौधों में से 16 पौधे आज की स्थिति में सुदृढ़ हो चुके हैं। बारिश और अन्य कारणों से 4 पौधे बेकार हो गए। कल के सेशन में इससे संबंधित जानकारी विस्तृत में दी जाएगी। जैसा कि हम अब तैयार थे, अब हर साल वृक्षारोपण होगा, तो कल भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। बैरिया तहसील के 5 गांवों में वृक्षारोपण होगा, जिसमें इस बार बैरिया तहसील के विख्यात एवं प्रख्यात रिपोर्टर वीरेंद्र मिश्रा जी के सुझाव से
पीपल का पेड़ लगाने का निर्णय हुआ है। इसके अलावा आम, नींबू, लीची ये पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसकी कल 8 बजे इसका हम लाइव करेंगे जब वृक्षारोपण होगा। इसके अलावा जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में हमारा उद्देश्य क्या था। मैं बैंगलोर से जब इलाहाबाद आया तो बैंगलोर से ही एक युवा था हमारे गांव का है शैलेश, मैं उनके माध्यम से अभी सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं भी एक युवा ही हूं लेकिन अभी जो एकदम नया है वो बहुत ही ज्यादा युवा है अगर आप कंपेरिजन करते चले तो। और मुझे नहीं मालूम हिंदी में कुछ ऐसा होता है कि नहीं, यंग, यंगर और यंगेस्ट टाइप का, इसलिए हम युवा इन कंपेरिजन कर रहे हैं। सो एक बैचलर किया हुआ युवा जो अपने आगे कैरियर के लिए तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ खुद के कैरियर के संभावनाओं पर मेहनत करते हुए गांव के, जिले के, तहसील के उन बच्चों के लिए यह प्रयास करना कि किसी को भी शिक्षा के मूलभूत आवश्यकता से वंचित ना होना पड़े। उन्होंने खाकी बाबा के मठिया, जो हमारे गांव की मठिया है, उस पर प्रतियोगिता का आयोजन कराना शुरू किया। और जब मैं बेंगलोर से इलाहाबाद आया तो और पिताजी की पुण्यतिथि के दिन कार्यक्रम तय करना था कि हमें करना क्या है, तो हमने डिसाइड किया कि जो उनकी रुचि थी शिक्षा में, शिक्षा और पर्यावरण दोनों फील्ड में हम काम करेंगे, और शिक्षा में विशेषकर उस शिक्षा के लिए वो चिंतित थे, और इसलिए हमने अपना क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में उस शिक्षा पर ध्यान देने में लगाया। इन्हीं क्रियाकलापों में हमारी मुलाकात अमित सिंह से हुई, जो कि इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाते हैं, इतिहास के जानकार और शिक्षा के उपयोगिता को समझ रहे हैं। इलाहाबाद में एक बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करते हुए भी इनका चित गांव में लगा है, और अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो गांव से ही जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा हर कार्यक्रम मेरे 28 जून के कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा भी जब भी मैं कार्यक्रम करता हूं मैं जाता हूं और साथ ही साथ बिना इनसे कहे ये गांव पहुंच चुके रहते हैं, और इस बार तो इन्होंने ज्यादा ही कर दिया, मैं नहीं पहुंचा हूं और ये पहुंच गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और करके कल के कार्यक्रम के लिए ये पूरी तरह से वहां तैयार है, कल का कार्यक्रम यही लीड करेंगे। स्वामी सिंह जी का भी यही इच्छा थी कि गांव में शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अभी अनिल जी नहीं जुड़े हैं, अनिल जी हैं, हिमांशु हैं, अनिल जी हल्दी से हैं, संतोष भैया हैं, ये सभी लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए किस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए कार्य करेंगे। पहला जो निर्णय जो शैलेश पहले से कर रहे थे वो ये था कि ग्रामीण बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह एक मार्क टेस्ट कराया जाए। सो लड़का पढ़ रहा होता है बैचलर में, गांव में वो बैचलर की डिग्री ले रहा होता है स्नातक की,
और उसके बाद फिर उसे एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जाना होता है। वो 3 साल जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो पढ़ भी रहा होना चाहिए था, तैयारी भी कर रहा होना चाहिए था और मॉक टेस्ट भी दे रहा होना चाहिए था, जो कि शहरों में जनरली होता है। अब मैं जब शहरों में कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि संस्कृति पैसे वाली, जब आपके पास पैसा हो तो आप क्लास भी अपनी एडमिशन भी ले सकते हैं जहां लेना है, कोचिंग करते हैं, कोचिंग को आप पैसा देते हैं तो आपको मॉक टेस्ट कराता है। गांव में पहले तो ये कोचिंग व्यवस्था नहीं इतनी है और दूसरा पैसे का भी समस्या है, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से टैकल करने के लिए हमने इसको विस्तृत रूप देने का प्रयास किया और यह कार्यक्रम महीने में 2 बार, पहले 4 बार हुआ करता था, अब 2 बार शैलेश के नेतृत्व में होता है, जहां पर पूरे बैरिया के तहसील के लड़के जो कि वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो हर रविवार को आकर मॉक टेस्ट देते हैं। तो एक तरह से वो खुद से स्टडी करते हैं और वो कितना पढ़ रहे हैं उसका जो है जांच मॉक टेस्ट कर लेता है। मॉक टेस्ट का पेपर भी बड़ी मेहनत से और जो आपके पिछले सालों के पेपर्स हैं, जो अनुभवी लोग हैं, इन लोगों की सहायता से तैयार होता है और उसका रिजल्ट मिलने लगा है। दुर्भाग्यवश शैलेश हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन वो आपको बताते हैं कि हमें कितना ज्यादा उसका रिजल्ट मिलने लगा है। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देना चाहूं कि नंबर्स में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लगभग 10-12 लोगों ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाया है, कई लोगों ने रेलवे में सिलेक्शन पाया है और आर्मी में सिलेक्शन पाया है। इसी मॉक टेस्ट के थ्रू कहीं कोचिंग करने नहीं गए, वो खुद से पढ़ते थे और उसके बाद एग्जाम देने आते थे, कॉपी चेक होता है और प्रोत्साहन के रूप में गांव के ही लोग, जिले के लोग, तहसील के लोग जब वो विजिट करते हैं गांव को तो उनको ही उस दिन एक चीफ गेस्ट के लिए बुला लिया जाता है, वो एक अपना मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और उनकी तरफ से उनको सहायता राशि दी जाती है, इनाम दिया जाता है। प्योर आप इसको कह सकते हैं सेल्फ सस्टेनेबल, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। इसमें कहीं किसी पर ज्यादा बोझ नहीं है सिवाय जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसी तरीके का कार्यक्रम अमित सिंह जी ने शुरू किया अपने जिले, अपने गांव में, और उनके यहां भी परिणाम दिखने लगा। जो बच्चे, छोटे बच्चे जो इधर उधर खेलते रहते थे शनिवार, और पता नहीं मुझे अभी, मैं अभी अमित जी को इनवाइट करूंगा, वो बताएंगे कैसे उन छोटे बच्चों को इन्होंने मोटिवेट करके उस एग्जाम में बैठाना शुरू किया। और मैं देखता हूं जब वो फोटो मुझे भेजते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन दे रहे होते हैं। मैं जब कंपटीशन कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि वन डे एग्जाम का दे रहे होते हैं, बट वो छोटी छोटी जो क्लासेज है उनके बारे में, उसके बारे में भी, क्योंकि अगर अभी से उनको वो प्रेरित कर सके कि आप आइए और बैठिए, इसके लिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए, वो बहुत बड़ी चीज है। आगे धीरे धीरे वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। इसका हमने प्रभाव देखना शुरू किया और जिसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे लास्ट ईयर दिखा, जब मेरे पिताजी के पुण्यस्मृति में जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है उसमें जो स्तर होता है वो क्लास 6 से क्लास 12 तक होता है। जो एग्जाम्स के पेपर थे वो वन डे एग्जाम्स के लिए होता है, जिसको हम वो वन डे एग्जाम्स क्या है अमित जी? SSC, हेलो, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, राइट? SSC, ओके। सो SSC जो एग्जाम्स है उस पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, और आपको मैं बताते हुए
बहुत हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि एक 6 साल की बच्ची महिला से ये बालिका वर्ग में पहला स्थान प्राप्त की और पहले स्थान के रूप में उसे हमने साइकिल लेडीज साइकिल गिफ्ट किया। 6 क्लास 6 में पढ़ने वाली लड़की, अगर मैंने 6 साल बोल दिया हो तो गलत है, क्लास 6 में पढ़ने वाली लड़की, जबकि स्तर 12th तक बीएससी तक था, जो सेकंड प्राइज था मुझे लगता है कि क्लास बीए सेकेंडर की लड़की थी। तो क्लास 6 से बैचलर इतना हमारा लेवल था और उसमें क्लास 6 की लड़की पहला स्थान प्राप्त की जो कि रेगुलर मॉक टेस्ट में बैठती थी। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सो इसके अलावा लड़कियों के लिए ग्रामीण परिवेश है, बहुत सारी पाबंदियां हैं और साथ ही साथ अव्यवस्थाएं भी हैं लड़कियों की शिक्षा के संबंध में, और इस विषय में हम लोगों ने निर्णय लिया कि लड़कियों के लिए अलग से सायंकालीन क्लासेस शुरू होंगे। इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है अभी, दोनों तरफ से थोड़ी कमी है हमारे साइड से भी और हमें उधर से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही हम इस पर, यह हमारा इस साल का मुख्य लक्ष्य होगा और जल्द ही हम इस पर एक टीम गठित करके कार्य करने के लिए तैयार हैं। दूसरा यह है कि इंग्लिश और जो एप्टीट्यूड है रीजनिंग, ये वन डे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी अलग से लोग तैयारी करते हैं। मेरा मानना है ये आपके क्रमिक विकास में आ जाता है। सो अगर आप एप्टीट्यूड का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू से सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको रीजनिंग अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप शुरू से ग्रामर पर ध्यान देंगे, लिटरेचर पर ध्यान देंगे, तो आपको इंग्लिश पर उतना प्रेशर नहीं लेना होगा। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा कभी भी याद नहीं की जा सकती है, भाषा को केवल सीखा जा सकता है। और इस परिवेश में हमने यह प्रयास किया, मैं हर शनिवार और रविवार को अपने गांव में अंग्रेजी एवं रीजनिंग की क्लास लेना शुरू किया। सलेश भी इसमें साथ थे, जिसमें हमने बच्चों को यह सिखाने का प्रयास किया कि आपको भाषा याद नहीं करना है। जिस तरीके से आप हिंदी लिखते हैं, भोजपुरी लिखते हैं, बोलते हैं, अंग्रेजी भी उसी तरह की भाषा है, आपको बस शब्द जोड़ने होंगे, कुछ रूल याद रखने होंगे। जल्द ही हमें इसमें सफलता मिल रही है और मुझे लगता है कि हम इसमें सफल होंगे। हमने इस उद्देश्य से कार्य शुरू किया है कि एक ग्रामीण परिवेश का बालक अंग्रेजी भाषा के कारण अपने आप को हीन महसूस ना करे, वह अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में ले, न कि एक सब्जेक्ट के रूप में। और इसलिए हमने राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया। हम उन्हें ये कार्य देते हैं कि आप कुछ भी अपने मन से 10 लाइन लिखिए, फिर उसको उसकी कोई टॉपिक पे, फिर उसको हम बिना उनका ग्रामर पर ज्यादा ध्यान दिए उसी को थोड़ा स्टाइलिश वे में प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसा बताया कि मेरे पिताजी का मुख्य उद्देश्य उस शिक्षा पर था, हमेशा से मुझे वो शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहे।
मेरा खुद की रुचि गांव में उस शिक्षा पर विशेष ध्यान देने में है। गांव में आप देख सकते हैं आपके आसपास जो लोग भी होंगे उनकी शुरुआती शिक्षा गांव से ही होगी और सब अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। सो आखिर ऐसा क्या है कि ग्रामीण परिवेश में आज आपको शिक्षा का माहौल नहीं दिख रहा है? उसका कारण है, वो कंप्यूटर रिम उधर वही इधर है ना, हाँ देख रहे हैं, हो गया, अभी कैमरा इधर है, ओके सो सही होगा। सो जो ये उस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, यह एक जरूरत है समाज के हर एक वर्ग की, और हम इसके द्वारा ही आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं जिसने उस शिक्षा नहीं ग्रहण किया है वो बेकार है, ऐसा भी नहीं है। मेरा मानना है शिक्षा भी आपको अच्छा और बुरा नहीं बनाती है। शिक्षा का उपयोग आप चाहे वो जहां से किए हो वो आपको अच्छा या बुरा बनाती है, लेकिन समझ, विषय की समझ निश्चित तौर पे आपके ज्यादा पढ़ने से, उस शिक्षा ग्रहण करने से होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले उस शिक्षा का अधिकतर भाग ग्रामीण परिवेश से आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है नौकरी। आज हर कोई नौकरी चाहता है। पहले जो लोग पढ़ते थे वो नौकरी पाते थे तो वो शिक्षा लेते थे, और जो नहीं पढ़े वो तुरंत काम में लग जाते थे, चाहे वो अपने खेती का काम हो, चाहे अपना खुद का स्व-व्यवसाय हो। लेकिन आज हर कोई इसी को पढ़ना है, स्तर उसका बढ़ गया है, लेकिन आज हर किसी को नौकरी कर भी करना है। नौकरी में सरकारी नौकरी भी बड़ा अर्जेंट से जरूरी है, सबका ध्यान सरकारी नौकरी पे ही है। आप ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं मानूंगा कि प्राइवेटाइजेशन होने के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग उधर चला गया है, अदरवाइज सरकारी नौकरी में भी और भी ज्यादा मारामारी होती है। तो ये जो तुरंत नौकरी पाने की जो एक मनोस्थिति बन गई है, उसके कारण ग्रामीण परिवेश का बालक जिसके पास टैलेंट है, समझ है, वो भी उच्च शिक्षा को तरफ अग्रसर नहीं होता है। वो तुरंत हमारे गांव में आर्मी और पुलिस का बहुत क्रेज है, सो तुरंत आर्मी का एग्जाम देता है, बेहतरीन स्टूडेंट सिलेक्शन पाता है और आर्मी में 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेता है। इस तरह पुलिस है, ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि गलत है, अच्छी बात है कि बहुत अच्छे स्मार्ट लड़के, मोटिवेटेड लड़के भी आर्मी के रूप में जाएं, लेकिन हो सकता है कि उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता किसी और क्षेत्र में हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक साल पहले मेरे गांव के बगल के एक युवा जो कि पुलिस में भर्ती हो चुका था, जब वो स्नातक की डिग्री ले, श्याम बाबू स्नातक की डिग्री ले रहे थे, उसके बाद पुलिस के में नौकरी करते हुए तैयारी किया, और उसी दौरान उन्होंने नेट पास, अपना मास्टर किया, नेट पास किया, और पिछले वर्ष पीसीएस के एग्जाम में अच्छी मेरिट पाते हुए वर्तमान में वो संत कबीर नगर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। तो वो भी एक निश्चित तौर पे टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने शुरुआती जो जॉब था वो पुलिस में ले लिया,
और अगर वहां से वो तैयारी बंद कर देते और ये मौका सबको नहीं मिलता है, यही मुझे कहना कि ये मौका सबको नहीं मिलता है, ये लगन, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मैं बार बार पूछता हूँ कि आपके अंदर इतना जो लगन था वो कहाँ से था? आपने नेट पास कर लिया, नेट पास करने के बाद इतनी अच्छी नौकरी मिलती है, आप तो तुरंत नौकरी करने चले जाते, उसके अलावा बावजूद ये लगन कि नहीं हमको पीसीएससी निकालना है, ये बिरला है और ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो हर कोई श्याम बाबू भी नहीं हो सकता। तो इस नजरिए से हम वो स्थिति आने ही नहीं देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उस शिक्षा में जरूर आगे बढ़िए। उस शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए समस्याएं कहाँ है, मैं कुछ और लाइनें बोलने के बाद इसको बाइंड अप करूंगा ताकि अमित सिंह जी को मैं मौका दे पाऊं। दो तीन बडल्स हैं, पहला तो आर्थिक है, दूसरा सामाजिक है। सामाजिक है कि बगल का गांव का लड़का नौकरी पा गया है तो तुम भी पा जाओ, सामाजिक है कि पड़दार का लड़का नौकरी पा गया है तो तुम भी पा जाओ, चाचा का लड़का नौकरी पा गया है जल्दी से तुम भी पा जाओ, ये एक सामाजिक समस्या है। इसमें हम बहुत कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं, हम जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें हमारा बहुत सारा योगदान नहीं हो सकता है अभी तक जैसा मुझे लगता है। इसलिए इसके स्तर पे आपको खुद प्रयास करना होगा, और वो संभव है जब आप प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि परिवार आप पर विश्वास करे। इस संबंध में किसी का कोई सुझाव हो तो हमें फेसबुक पर लिख के दे सकता है, कैसे समाज के इस विचार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो दूसरा है वो है आपको मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग, इसके लिए हम अपनी टीम के साथ तैयार हैं, और पिछले साल डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मेमोरियल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दो फेलोशिप का घोषणा हुई थी, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मेमोरियल उच्च शिक्षा फेलोशिप, एवं एक मेरे मित्र हैं हिमांशु कात्यायन, उनके माताजी के नाम पर एक फेलोशिप उच्च शिक्षा फेलोशिप जो कि लड़कियों के लिए था। अगर कल कोरोना नहीं होता और कल कंपटीशन हो रहा होता तो हमारे पास कुल 5 फेलोशिप हैं जिसका मैं कल घोषणा करता। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि कल की परीक्षा संभवतः दिसंबर महीने में होगी, संभवतः अगर कोरोना का प्रकोप खत्म हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर गणेश पाठक जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस साल के फेलोशिप के लिए नाम संस्तुति करेगी। उनका हम बैकग्राउंड, हम उनका एकेडमिक बैकग्राउंड दोनों देखने के बाद इस साल की फेलोशिप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इस फेलोशिप में एक छात्र अगर हायर एजुकेशन उस शिक्षा के लिए बलिया से बाहर जाता है, बलिया में नहीं, बलिया से बाहर बनारस इलाहाबाद गोरखपुर और भी कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में वो जाता है तो उसे 1000 रुपया पर महीने उसके पूरे 3 से 4 सालों के कोर्स के लिए हमारी तरफ से दिया जाएगा एक फेलोशिप। ऐसे मेरे पिताजी के नाम की जो फेलोशिप है वो एक बंदे को दी जाएगी, और ये यूजी के लिए भी है और पीजी के लिए भी है। सो एक बच्चा जो कि यूजी कर चुका है और वो पीजी में एडमिशन ले रहा है बलिया छोड़ के कहीं पर, तो उसको भी ये फेलोशिप मिलेगी। और मैंने कहा ऐसे ही हमारे पास
कुल 5 फेलोशिप है जिसमें 3 लड़कों के लिए है और 2 लड़कियों के लिए है। हम इसकी घोषणा जल्दी कल के कार्यक्रम में करेंगे। मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में एक स्लाइड शो करना चाहता हूं। ये देखिए पिछले साल का कार्यक्रम है जिसमें जो ये पहला कार्यक्रम है जो 2018 में हुआ था जिसमें हमने नगद पुरस्कार की व्यवस्था की थी, बाद में हमने इसको बदला। ये पहले साल का एग्जाम्स है हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे अच्छी संख्या में एग्जाम दे रहे थे। ये एग्जाम जो होता हो रहा था वो बैरिया इंटर कॉलेज में हो रहा था। ये वो टीम है जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी। गांव के बच्चे हैं, युवा हैं जो एग्जाम और वो एग्जाम टेस्ट का कॉपी चेक कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिनका वो ओएमआर शीट के साथ चेक कर रहे हैं। ये हमारी टीम है जिसने पहला पूरा ये वो जीते हुए विजेता लोग युवा हैं, इन्होंने एग्जाम में पास करके सबसे ज्यादा मार्क्स लाए और ये विजेता टीम विजेता जो है वो हमारी टीम के साथ। ये दूसरा प्रोग्राम 2019 का है जहां पर हमने नगद पुरस्कार को लिखा अभी भी है लेकिन नगद पुरस्कार को हमने हटा के पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया। ये हम पौधारोपण का कार्यक्रम है और ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जहां पर हमारी टीम और बच्चे हैं। इसी में 6 वर्ष की बालिका की बात कर रहा था जिसने बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैंने आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा ये जो कंपटीशन का स्तर था वो क्लास 6 से लेके बीएससी तक था, मतलब बैचलर स्तर तक था, बीए बीएससी। और उसमें इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो महानुभाव है ये आई थिंक बैचलर सेकेंड ईयर के हैं या 12th पास लड़का है लेकिन ये 6 साल की बालिका है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया बालिका वर्ग में। हमारी ये टीम है प्रवीण प्रकाश जी, पीयूष मिश्रा, गणेश पाठक जी पिछले साल के मुख्य अतिथि दोनों लोग, साकेत सिंह सोनू जी, अनिल चाचा, मेरे दोस्त विकास सिंह, संतोष भैया और शैलेश नहीं नजर आ रहे हैं, शैलेश ये पिछले सालों का न्यूज़पेपर। ये हमारा लाइब्रेरी है जिसके बारे में कल बात की जाएगी। अमित सिंह जी, शैलेश सभी के सौजन्य से लाइब्रेरी खुला हुआ है और इन्हीं लोगों के सौजन्य से ये चल भी रहा है। और इस समय बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे मेरे साथियों ने, गुरुजनों ने इसके लिए किताब दी और हमारे पास बहुत सारी किताबें हो गई। हम अब इसके थ्रू हम बहुत जगहों पर लाइब्रेरी खोल पा रहे हैं। इस मैं कार्यक्रम की बात कर रहा था, शैलेश जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जैसा मैंने बताया कि कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल कार्यक्रम है। और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो छात्र है यह इस कार्यक्रम के थ्रू सक्सेस को पा सफलता पा चुका है और इस समय रेलवे या पुलिस में ज्यादा बढ़िया शैलेश बता पाते में है ये। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार इस कंपटीशन में भाग लेते रहे हैं और इसके